पूरे क्षेत्र से लगभग ज़्यादा संख्या में हमने नहीं बुलाया था, छोटी सी कालका जहाँ भाई बंधु बहनें यहाँ इकट्ठी हुई थी। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि जो हमारी मांगे हैं अगर उसमें सरकार या प्रशासन उस पर कोई जू नहीं रेखती या वो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते तो अभी 15 दिन के बाद चाहे वो खुद प्रदर्शन करना पड़े चाहे हमारा अनशन करना पड़े जो हम होगा, क्योंकि हमारे लिए सुविधा युक्त अस्पताल चाहिए। ये सरकार की नीति पे क्या असर होता है क्या नहीं होता, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से भी और प्रशासन से भी कि इतने बड़े क्षेत्र को आज सुविधा से वंचित होना पड़ा। हाल ही में मैंने जो अपने देखा कि 14 वर्ष का बच्चा यहाँ तड़प रहा था तो यहाँ डॉक्टर कोई उपलब्ध नहीं था, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे गरीब लोगों को ये सुविधा मिले। इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना है, इसका उपयोग हो, यही हमारे लोगों की मांग है। धन्यवाद। क्योंकि सरकार के प्रति रोष है कि जो डॉक्टर की ड्यूटी है नाइट ड्यूटी पर नहीं रहते हैं तो क्या? ये हमने मौका पर देखा, यहाँ हमारे आपके साथी पत्रकार बंधु संजीव जी यहाँ आए थे, इन्होंने जब हमने मेरी बात जहाँ तक हुई तो उन्होंने कहा कि मैं धान के घर खाना खा रहा हूँ, ठीक 10 बजे मैं 10:45 बजे मैं कॉल करता हूँ, उनसे बात होती है और उसके बाद हमने ये बता दिया कि यहाँ एक पेशेंट है उसको ऑक्सीजन तो लगा दी उन्होंने जो हमारे यहाँ 4th क्लास कर्मचारी थे, लेकिन उसके बाद ये पता होते हुए भी डॉक्टर साहब कहते हैं बाइक पे बोला है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने बोला कि मैं किसी के बुलावे पे चाय पीने चला गया था। तो ऐसे संकीर्ण सोच वाले डॉक्टर की यहाँ जरूरत नहीं है, ये हमारे लोगों की मांग है।